नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सोनी दिया आज आपको कक्षा 6 के हिंदी के पाठ सुबह का अभ्यास कराऊंगी। सुबह है वह एक प्रसंग कथा है, यानी कि इस कथा में किसी व्यक्ति के जीवन का एक प्रसंग लिया गया है, उसके आधारित पूरा पाठ बताया गया है। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं, बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्होंने पोलियो की दवा पिलाई जाती है। अब पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी को होती है तो उसके शरीर का एक अंग है वह काम करना बंद कर देता है, यानी कि वह विकलांग हो जाता है। अब विकलांग व्यक्ति है वह अपने जीवन में निराशा का अनुभव करता है, उसे लगता है कि वह अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसका पूरा जीवन उसे अपना पूरा जीवन दूसरों के सहारे ही बिताना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है, अगर हौसला और आत्मविश्वास हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ऐसी भी कहानी यह है। तो हम देखते हैं कि इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। किसकी आधारित है? तो रेशमा जो कि पोलियो विकलांग है, पोलियो ग्रस्त है, वह सूझबूझ यानी कि अपनी दिमाग से साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसकी इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, वह शरीर से विकलांग थी पर उसकी यह शारीरिक कमी कभी उसके मानसिक विकास का कारण नहीं बनी। वह जिंदगी एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। विकलांग होने के बावजूद भी वह अपना जीवन कैसे जिंदगी से जी रही है वह इस कहानी में बताया गया है। अब रेशमा के अलावा भी हम एक उदाहरण देखे तो अरुणिमा सिन्हा जो की एक पैर होने के बावजूद भी उसने एवरेस्ट पर्वत चढ़कर एक रिकॉर्ड बनाया है, वह भी हमारे लिए उदाहरण है, प्रेरणा रूप है। तो अब हम आगे देखते हैं, कहानी की शुरुआत होती है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफर में व्यस्त हैं, कोई सामान चढ़ा रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। जब रेशमा अपने घर में उठती है तब वह क्या देखती है कि घर के लोग हैं सभी, वह कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, तो इसलिए उसे विचार आता है कि कुछ खास बात होगी। माँ आज कोई खास बात है, सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, उत्सुकता यानी कि जानने की इच्छा थी इसलिए उसने पूछा कि यह सब काम में क्यों लगे हैं, कोई खास बात है? हाँ बेटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। अब माँ उसे जवाब देती है कि हाँ कोई खास बात है, यानी कि त्योहार के दिन आने वाले हैं इसलिए सभी सफाई काम है जो कि पहले हो जाए तो अच्छा है। ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, भुलक्कड़ यानी कि भूल जाना। पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं है, मैं क्या कराऊँ बताओ माँ। अब रेशमा कहती है कि सभी लोग काम में जुट गए लेकिन मैंने तो कोई काम नहीं किया। अच्छा चलो पहले ना धोकर तैयार हो जाओ फिर बताऊंगी, बहुत से काम है। अब माँ उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर लूंगी, तुमसे काम करवाऊंगी, पहले तुम ना धोकर तैयार हो जाओ, आपकी मदद करना, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, रुआ से यानी कि रोने जैसे स्वर में, रोने जैसी आवाज में रेशमा ने कहा कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। अब माँ कहती है कि मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्य में लग गई। अब यह बातचीत समाप्त होने के बाद रेशमा अपने दैनिक कार्य में लग जाती है जब उसे माँ उसकी पहिए वाली कुर्सी यानी कि थ्री व्हीलर जो हम कहते हैं जिसके जो विकलांग लोग होते हैं जो चल नहीं सकते वे उस कुर्सी पर बैठते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि रेशमा जो है वह तीन पहिए वाली कुर्सी पर बैठी है और वह उस पर बैठकर अपने दैनिक कार्य यानी कि रोजिंदा कार्य जो है वह करने में लग जाती है। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे, उसे बहुत तेज बुखार हुआ था। अब जब कुछ समय पहले की बात है कि जब वह 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे, यानी कि छोटी सी उम्र में ही उसके दोनों पैर काम करना बंद हो गए थे यानी बेजान हो गए थे और वो विकलांग हो गई थी। क्या हुआ था ऐसा कि जिसके कारण जो रेशमा ने उसके दोनों पैर काम करना बंद हो गए थे? तो देखते हैं कि उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों के नीचे से दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। सिर्फ एक बुखार होने के कारण
मां जो सफाई काम करने जुटी थी वह रसोई घर में क्या करती है, तो जो भी सो जो बर्तन थे डिब्बे बोतल सभी नीचे उतार कर साफ करने लग गई थी और रेशमा को बुलाती है कि मेरे साथ काम करने आ जाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया, दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। अगर मेवे वाला मेवा क्या होता है जिसमें ड्राई फ्रूट जो कहते हैं वो होते हैं, और दलिया जो की दलदले गेहूं का या किसी भी आटे का बना होता है दलिया, वह नाश्ता उसने कर लिया था। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ, तो रेशमा कहती है कि मैं आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबर लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। अब जबकि सफाई काम चल रहा था तो माँ ने रसोई घर के सारे डिब्बे और बर्तन उतार कर रखे थे। रेशमा को क्या काम मिला था, तो जो भी डिब्बे थे उसमें कौन सी सब्जी है कौन से मसाले हैं उस पर सिर्फ उसका लेबर लगाना था, और वह लेबर लगाकर फिर से अपनी माँ को दे रही थी और उसकी माँ फिर से सभी जगहों पर रखती जा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा था। दादीजी दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए तो माँ परेशान थी। उसके पिताजी दफ्तर यानी ऑफिस चले गए थे और सफाई काम काज खत्म होने के बाद माँ को कुछ सामान चाहिए था जो कि लड्डू बनाने के लिए चाहिए था, और उसके पास वह नहीं था इसलिए वह परेशान थी कि लड्डू बनाने के लिए सामान कौन लाएगा, क्योंकि जो छोटा गोलू था वह तो बहुत छोटा था और उसके दादीजी दादाजी बहुत बुजुर्ग थे। तब रेशमा कहती है कि सामान मैं ले आऊंगी, आप मुझे सामान के लिए थोड़े थैला दे दीजिए। तब रेशमा तैयार होती है कि सारा सामान जो है मैं लेकर आऊंगी। तुम ले आओगी अकेली, माँ ने पूछा। अब माँ को आश्चर्य होता है और वह उससे पूछती है कि तुम अकेली ले आओगी। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी, दृढ़ता यानी कि आत्मविश्वास। वह कहती है कि मैं ले आऊंगी अकेली, एक बार पहले भी तो ले आई थी। तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान मुकुड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। वह जो माँ है उसकी वह उसके साथ सहमत हो जाती है, उसे कहती है कि तुम ही ले आओ लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान मुकुड़ वाली यानी कि जो नाका होता है उसके बाहर ही मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। अब जब वह वापस आती है तो अपने छोटे भाई गोलू के लिए टॉफी यानी कि चॉकलेट लेकर आती है। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। अब गोलू को टॉफी मिलने के कारण वह खुश हो गया। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। अब इस बात को उस दिन बीत चले हैं, उस दिन बाद की बात होती है कि एक दिन शाम को रेशमा का घर है वह दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगा रहा था। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था यानी कि पूरे मोहल्ले में और रेशमा के घर में दिए जलाए गए थे जहाँ रोशनी की रोशनी थी। अब दियो की रोशनी के कारण पूरा जो मोहल्ला था वह क्या जमीन और क्या आसमान उसका पता ही नहीं चलता। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। अब जो सफाई काम का चल रहा था वह किस कारण चल रहा था, कौन सा त्योहार आ रहा था, वो दीपावली का। अब उसकी दादी जो है उसे कथा सुनाती है कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं, कि अंधेरे पर उजाले की जीत हुई थी इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई यानी कि बुराई जो है वह उसे लगता है कि वह जीत जाएगी लेकिन अच्छाई की हमेशा आखिर में जीत होती है, असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। हम रामायण सबने सुनी है देखी है इसलिए हम जानते हैं कि इसी दिन रावण को पराजित कर यानी कि हरा कर राम अपने वतन अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। तब जब राम अयोध्या लौटे थे तभी सभी अयोध्या वासियों ने दिए प्रगटा कर उनका स्वागत किया था, तो इसी खुशी में हम हर साल दीपावली मनाते हैं। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। अब रेशमा और गोलू जो है वह कहानी सुनने की बहुत रुचि ले रहे थे इसलिए वह ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। अब कहानी खत्म होने के बाद क्या करते थे, लोग पूजा करें की लोगों ने पूजा की और उसके प्रसाद
प्रसाद खाकर गोलू जो है, हम सभी भी जो पटाखे छुड़ाते हैं तो गोलू भी उसी तरह पटाखे छुड़ाने में लग गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। अब रेशमा जो कि बहुत बड़े पटाखे नहीं जला सकती थी, इसलिए वह अपने दादा दादी के साथ बैठकर फुलझड़ियां छुड़ा रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को गुजर हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकलने लगी है। अब वह फुलझड़ियां जला रही थी, तब कुछ देर बाद उसने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर, यानी कि गोलू को लगा था कि यह पटाखा बुझ गया है, लेकिन वह बुझा नहीं था, उसमें से क्या चिंगारियां निकल रही थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी, जबकि गोलू को पता ही नहीं था कि वह पटाखा जल रहा है, इसलिए उसकी पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, तब रेशमा चिल्ला के में आवाज देती है, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। रेशमा यह देख लेती है कि पटाखे में से चिंगारियां निकल रही है, इसलिए वह गोलू को आवाज देती है कि तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई, बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंची। अब पटाखे बहुत सारे फोड़ रहे थे, इसके कारण जो रेशमा की आवाज थी वो गोलू तक नहीं पहुंच सकती थी, और जो बाकी कुछ लोगों को ध्यान होता कि पता चलता, उसके पहले रेशमा अपनी पहिए वाली कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास पहुंच जाती है। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अब उसने गोलू को पटाखे से बचाने के लिए जोर से गोलू को धक्का दिया और खुद भी वहां से आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण गड़ा जोर का धमाका हुआ, रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। अब क्या हुआ, जो गोलू था वह तो बच गया, साथ साथ रेशमा की कुर्सी की गति इतनी ज्यादा थी कि वह भी आगे जाके गिर पड़ी, और तभी पटाखा फूटता है। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। अब गोलू को पता ही नहीं था कि उसके धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े आए। अब धमाका इतना जोर का हुआ कि उसकी माँ पिताजी जो कि घर में थे वह भी बाहर आ गए कि वह वहाँ क्या हुआ है। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। अब कुर्सी की गति ज्यादा होने के कारण रेशमा और उस पर उससे नीचे गिर गई। कुर्सी उसके ऊपर थी और वह नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू। अब माँ डर जाती है और वह रेशमा से पूछती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। अब जो भी घटना वहां बनी थी वह सारी बात उन्होंने अपने माता पिता को बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। सभी ने रेशमा की बात सुनकर उसने किस तरह गोलू की जान बचाई इसके कारण सभी ने उसे शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, यानी कि नाटक करते हुए बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचाई, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, यानी कि यह बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। इस घटना से हम जान सकते हैं कि उसकी शारीरिक कमी थी वह कभी उसके इरादों में बाधा नहीं बनी। आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन वह जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। अब हम जानते हैं कि यह शीर्षक सुबह उसको क्यों दिया गया है इस पाठ को, तो उसकी जो हर सुबह होती है वह नई